मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए। इस समय सावन का दिन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। गाड़ी आ गया दोस्तों लिफ्ट में, अब हम लोग फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर उतारेंगे गाड़ी, फिर लगा के निकलते हैं फिर 10-8 में। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइज। अभी हम जा रहे हैं तथा सुमेत घाट पे हैं। इस समय हम लोग जा रहे हैं आगे विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। आप कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर से देखेंगे विश्वनाथ जी का, बाबा का दर्शन भी करा देंगे अगर पॉसिबल होगा तो। ब्लॉग में बने रहेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको ये छोटे शंकर जी भी दिखाते हैं। ये छोटे शंकर भी यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। शंकर जी लग रहा है ऊंचाइयों पे चढ़ना चाह रहे हैं जाके। दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहे हैं हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। ये सामने देख सकते हैं, ये है विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पे। अभी आगे चलते हैं, आपको पूरा अच्छे से वीडियो दिखाएंगे। इस समय हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर पे पहुंच चुके हैं। जैसा देख सकते हैं आप, इधर है विश्वनाथ कॉरिडोर। ये आगे चलते हैं, फ्रंट से आपको दिखाते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर। और सामने ही दोस्तों देख सकते हैं वहाँ है मणिकर्णिका घाट आगे, जहाँ देख सकते हैं दोस्तों आग जल रही है वहाँ पे। वहाँ है मणिकर्णिका घाट। बाकी अभी ऊपर चल रहे हैं दोस्तों विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पे। तो वे चल रहे हैं दोस्तों ऊपर अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर में, देखते हैं क्या व्यवस्था बना है। अंदर टेंट वेंट लगाया गया है कि बारिश से बचने के लिए। तो विश्वनाथ कॉरिडोर पे फाइनली आ चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं अंदर यहाँ से। बाकी यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सब सुविधा दी गई, यहाँ पे फैन वैन लगाए गए हैं, बढ़िया एकदम टेंट सिटी की तरह बना दिया गया है यहाँ का सिस्टम। और ये अपना भाई सूरज, चलो 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 आगे चलो, देखते हैं दोस्तों पॉसिबल, दोस्तों पॉसिबल होता है तो आपको विश्वनाथ कॉरिडोर में आ चुके हैं और आगे दिखाएंगे, बाबा के दर्शन करा सकते हैं अगर पॉसिबल हो, खुला हो तो जरूर कराएंगे आप सबको दर्शन। बाकी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक एलिवेटर भी लगा है जिसको यहाँ से चढ़ने में दिक्कत होती है, सीढ़ी यहाँ वो एलिवेटर से जा सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे विश्वनाथ कॉरिडोर, अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सब टेंट वेंट लगी हुई है, पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे बारिश वारिश के लिए, क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पे। आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग देखने में मजा आ रहा होगा। बाकी ये देख सकते हैं, ये भारत माता का ये है, यहाँ मूर्ति बना हुआ है।
दोस्तों इस समय सावन का दिन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। आप कभी मैं दिखाता हूँ पर, लेकिन आज तो भीड़ नहीं, कल है सोमवार का दिन, आज है संडे, लेकिन कल तो बहुत भीड़ लगी रही थी। अगर मैं कल आऊँगा तो कल का व्लॉग जरूर डालूंगा यहाँ का, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। दोस्तों अभी मैं चलता हूँ शॉर्टकट से, आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पे। बाकी बाबा विश्वनाथ देख सकते हैं, ये सामने है। आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग देखने में मजा आया होगा। ब्लॉग का करते हैं यही एंड, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करना ना भूले। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।